हेलो राधे राधे, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। घर को ऑर्गेनाइज करते करते और किचन के कुछ काम करते करते हम लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, तो बस इन प्रॉब्लम को आप लोग फेस ना करके इस टिप्स के थ्रू अच्छे से सॉल्व कर सकें, बस ऐसे ही कुछ टिप्स लेकर के आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली टिप मेरी इस तरह की बैंगल्स को लेकर के है। ये बैंगल एल्युमिनियम की होती है जो मुड़ जाती है अच्छी तरह से, तो बस ये मेरे पास बेकार पड़ी हुई थी, 5-6 चूड़ियाँ मेरे पास, तो मैं इनका यूज़ आप लोगों को आज करके बताती हूँ। यहाँ मैंने कैंची की सहायता से चूड़ी को 2 भागों में अच्छे से कट कर लिया है। अब इसका हम लोग एस आकार का एक हुक बनाएंगे जिसका यूज़ बहुत ही अच्छा होगा और किचन के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो ये बहुत ही इजी तरीके से बन जाता है। मैंने यहाँ देखे हाथ से करके दिखा रही हूँ, ये आराम से मुड़ जाता है क्योंकि एल्युमिनियम की होती हैं चूड़ियाँ हम लोग की, तो अब हम लोग इस समय पहनते नहीं हैं। तो इस तरह मैंने बहुत से सारे हुक अपने पास इकट्ठे कर लिए हैं चूड़ियों को काट के। और यहाँ पे देखिए मेरे पास एक पुराना प्लास्टिक का बॉक्स था जो टूट गया था, और जो उसकी कैप होती है तो ये मेरे पास पड़ी थी। ये बहुत बड़ा ढक्कन है जिसका मैं यूज़ किचन में कुछ सामान टांगने के लिए करूँगी, और इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, बहुत ईजी तरीके से ये बन भी जाता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक किसी कीली या पेचकस की सहायता से हम लोग इसमें होल करेंगे जिससे हम लोग ये ऑर्गेनाइजर बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 होल अच्छे से कर लिए हैं और बाकी होल हम लोग पूरे घेरे में करेंगे। यहाँ मैंने एक बड़ा ऐसा आकार का हुक बना लिया जिसको हम लोग बीच में लगाएंगे। तो आपके देखिए ये पूरे घेरे में इस तरह से आपको होल बनाने, जिसमें हम लोग ने इतने सारे छोटे हुक बनाए हैं ऐसा आकार वाले, इसी में अटैच कर देंगे। तो यहाँ देखिए एक बड़ा हुक मैंने बनाया था ऐसा आकार का, तो मैंने पहले इसको सीधा कर लिया है, और जो होल हम लोग ने तैयार किया है ये देखिए बनाया, तो इस तरह से हम लोग को डाल देना है, और फिर सीधा जो सीधा हम लोगों ने किया था उसको फिर से मोड़ के इस तरह अंदर की तरफ होल को कर देना है। हम लोग के यहाँ पे 2 होल करने हैं अच्छे से। तो ये देखिए टाइटली आप लोग अच्छे से कस के उसके बाद नीचे से आपको ऐसे कार के हुक को अच्छे से फोल्ड करना है गोल गोल, ताकि ये अच्छे से कस जाए, जब हम लोग इसको टांगे तो ये बिल्कुल हिले ना। तो अब यहाँ पे मैं प्लास का यूज करूंगी, आप लोग प्लास से अच्छे से इसको मोड़ दीजिएगा। ये देखिए बहुत ही आसानी से ये मुड़ गया प्लास से मुड़ने के बाद। इसके बाद ये जो छोटे छोटे हुक थे ऐसा आकार के, सारे हुक हम लोग इस तरह से इसमें अटैच कर देंगे। ये देखिए ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजर बनके तैयार रहेगा, जो हम लोग के किचन में बहुत कलछिन वगैरह चिमटा है, बहुत सी चीजें ऐसी होती जिनको हम लोग को टांगने में बहुत प्रॉब्लम होती है, स्पेस भी बहुत कम होता है। तो यहाँ पे देखिए सारे हुक मैंने अच्छे से अटैच कर दिया, उसके बाद ऊपर की तरफ मैंने हुक को अच्छे से दबा दिया है ताकि ये किसी भी तरह से सामान टांगने के बाद निकले ना। तो यहाँ देखिए सारे हुक अच्छे से अटैच करने के बाद, और ये जो आप देख रहे हैं जिस जगह पे मैं इसको अटैच कर रही हूँ, तो यहाँ पर ये बर्तनों की अलमारी है जिसमें उसी पे मैंने नीचे हुक को ये पूरा ऑर्गेनाइजर अच्छे से अटैच कर दिया है। ये देखिए ये अच्छे से अटैच हो जाएगा, आप लोग अच्छे से जब ऊपर से गांठी लगाएंगे इसकी तो ये बहुत ही अच्छे से अटैच हो जाएगा, बिल्कुल हिलेगा भी नहीं। और ये देखिए मैंने बर्तन की इस तरह से स्टैंड होता है बर्तनों के स्टैंड पे, वहीं नीचे पे हमने इस तरह से इसको अटैच कर दिया है, ये कोई स्पेस भी नहीं लेगा, हम लोग के नीचे का एरिया पूरा फ्री होता है। तो यहाँ देखिए कलछिन है और छन्नी वगैरह है, बहुत सी चीजें हैं जिसमें पूरी चीजें हमारी अच्छे से टंग गई हैं, और ये बहुत ही यूजफुल है और इसको बनाने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, बहुत इजी तरीके से बन भी जाता है और देखने में बहुत अच्छा लगता है। बाजार के ऑर्गेनाइजर जो खरीद के लाते हैं बहुत ही महंगे होते हैं। मेरी अगली टिप इस तरह की मॉर्टिन को लेकर के है। अक्सर ऐसा होता है ना बरसात के टाइम पे कि हम लोग मॉर्टिन लाते हैं और उसको जलाते हैं, लेकिन कभी कभी ये हो जाता है कि जो मॉर्टिन का स्टैंड होता है वो खो जाता है। तो अक्सर सभी के घरों में नेल कटर तो होते ही है, तो नेल कटर में इस तरह का एक बीच में हुक होता है जिससे हम लोग नेल्स वगैरह साफ कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग अटैच कर देंगे तो बहुत ही आसानी से हम लोग का स्टैंड बन जाएगा और ये मॉर्टिन बिल्कुल गिरेगी नहीं और रात भर ऐसी जलती रहेगी। ये यूजफुल टिप्स है, यूज करके देखिएगा। और मेरी अगली टिप मॉर्टिन को फिर से लेकर के, अक्सर हम लोग मॉर्टिन जलाते हैं और इसका धुआं तो वैसे भी नुकसान करता है, तो जैसे हम लोग सोचते हैं कि रात में ये आधी जले और आधी ना जले, तो इसके लिए ये उपाय कि हम लोग एक सिक्का लेंगे और जहां तक हम लोग को मॉर्टिन को जलाना है बस उसी जगह पे इस सिक्के को हम लोग रख देंगे। इससे ये होगा कि जब मॉर्टिन पूरी जलते हुए सिक्के के पास आएगी ऑटोमेटिक ये अपने आप बंद हो जाएगी और हम लोग को रात में जग कर इसको बंद भी नहीं करना पड़ेगा। एक दूसरी टिप और भी है, आप चाहे तो जहाँ पे मैंने सिक्का रखा है उस जगह पे एक चम्मच की सहायता से आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकती हैं जिससे मॉर्टिन वहां तक आते आते अपने आप बुझ जाएगी। यहाँ पे देखिए मैं चम्मच से अभी थोड़ा सा पानी भी डालूंगी इसमें, तो पानी डालने के बाद ये अपने आप ही, ये देखिए मैं फिर से सिक्का रख के फिर से पानी आपको डाल के दिखाऊंगी,
तो अपने आप ये देखिए यहाँ पे पानी डाला और ये अपने आप पानी से भी बुझ जाएगी। अगर आपके पास सिक्का हो तो इससे इस्तेमाल कर सकती हैं, और नहीं तो आप पानी भी डाल देंगी तो ये मोर्टिन अपने आप बुझ जाएगी। तो यूजफुल टिप्स है, यूज करके देखिएगा। और मेरी अगली टिप, हम लोग अक्सर डोसे की फिलिंग बनाते हैं, तो जब आप फिलिंग बनाए डोसे की, अगर उसके साथ सांभर बना रहे हो या चटनी बना रहे हो, तो आप इस डोसे के जो फिलिंग होती है उसमें आप एक चमचा सांभर डाल दीजिए, फिर अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अगर आपने चटनी बनाई है तो आप यहाँ पर चटनी भी डालकर अच्छे से मिक्स कर सकती हैं। आप जब इसको डाल के मिक्स करेंगी तो जो इसकी फिलिंग होगी उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। और मैं हमेशा इस तरह से करती हूँ, तो या तो चटनी मिला लीजिए या तो आप सांभर का बैटर। ये बहुत ही अच्छी यूजफुल टिप्स है। मेरी अगली टिप्स डोसे के बैटर को लेकर के है। अक्सर हम लोग बैटर बना के तैयार कर लेते हैं और हम लोग को तुरंत बनाना होता है 1-2 घंटे में, और ये अच्छे से फर्मेंट नहीं हो पाता है। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक परात में अच्छे से पानी गर्म कर लेती हूँ और इसको पीस के तुरंत उसी को परात में गर्म पानी में रख देती हूँ। ये देखिए अच्छे से बैटर फूल गया है, इसका डोसा भी बहुत ही अच्छा बनेगा। तो आप लोग इस तरह से बैटर को फर्मेंट कर सकती हैं, ये देखिए। और जब बनाने से पहले जब भी आप डोसा बनाएं तो इसको अच्छे से फेंट लें, बहुत ही यूजफुल टिप्स है। मेरी अगली टिप्स, हम लोग लोहे के तवे में मतलब बनाने से अक्सर ऐसा होता है ना, डरते हैं कि पता नहीं चिपक ना जाए, तो यहाँ पे आपको एक तरीका बताती हूँ। जब भी आप लोहे के तवे में मतलब डोसा बनाएं तो अच्छे से उसमें पहले ऑयल डालें, ऑयल को ग्रीस कर दें टिश्यू पेपर से अच्छे से चारों तरफ, उसके बाद थोड़ा सा पानी डालने के बाद फिर से इसको टिश्यू पेपर से पोंछ दें। टिश्यू पेपर से पोंछने के बाद आप यहाँ पे जब डोसे का बैटर डालेंगी तो वो बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं और बहुत ही अच्छा बनेगा, जैसे बाजार में बनता है और बहुत ही क्रिस्पी बनता है। ये डोसा खाने में बहुत ही अच्छा बनता है, जैसे बाजार जैसा। तो यहाँ पे देखिए डोसा मैंने डाल दिया है, बहुत ही अच्छे से फैल भी गया, बिल्कुल चिपका नहीं है। तो इससे पहले मैं आपको डोसा बनाकर भी दिखाऊंगी कितना अच्छा बना है। आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए डोसा बहुत अच्छे से लाल हो गया है। अब मैं इसको पलट के भी आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे जो मैंने फिलिंग तैयार करी थी उसको फिलिंग को मैं लगा दूंगी अच्छे से, और मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगी। फिलिंग लगाने के बाद सांभर मैंने बनाया है, उसी के साथ सर्व भी करूंगी। तो यहाँ देखिए जब मैंने पलट के इसको बंद करा तो ये देखिए डोसा बहुत ही अच्छा बना और बहुत ही कुरकुरा बना है और बिल्कुल कोई दिक्कत भी नहीं होती है। तो यहीं पे अपने वीडियो का एंड करती हूँ। ओके बाय।